अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन कराम, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा अमल है, यानी वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सी दुआ है जिसको पाबंदी के साथ पढ़ने वाला शख्स जन्नत में ज़रूर जाएगा। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी का एहतमाम करता है, यानी आयतल कुर्सी को पढ़ता है, तो उसको जन्नत में जाने के लिए सिवाय मौत के और कोई चीज़ रुकावट नहीं है। और एक हदीस में है कि आयतल कुर्सी के साथ सूरह इख़लास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का भी ज़िक्र आता है। आज हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ये दुआ तो अलग सी बात है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको पंच वक्ता नमाजी भी बनाए और इस वजीफ़े का एहतमाम करने वाला भी बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर आप ऐसे ही कम वक्तों में अच्छी जानकारी के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक कम वक्तों में अच्छी मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।